अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं और आपके पास समय और धन दोनों हैं, तो आप सोचते होंगे कि आप पूरी दुनिया घूम लेंगे। तो जरा ठहर जाइए, आप गलत हैं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी कई जगह हैं जहां आप चाहकर भी नहीं जा सकते। आज हम आपको ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे यहां इंसानों का जाना मना है। इन जगहों में से सबसे पहला नाम है स्नेक आइलैंड ब्राजील का। ब्राजील की राजधानी से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा आइलैंड स्थित है यहां इंसानों का जाना मना है। ये छोटा सा आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भरा हुआ है। इस आइलैंड पर लगभग 4000 सांपों का बसेरा है। दोस्तों, इस आइलैंड पर दुनिया का सबसे जहरीला सांप गोल्डन पिट वाइपर भी पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सांप के 1 ग्राम जहर से 50 लोगों की जान जा सकती है। ऐसे ही हजारों जहरीले सांपों की वजह से इंसानों का यहां जाना बेहद खतरनाक है। ब्राजील सरकार ने इस आइलैंड पर 1990 में एक लाइट हाउस बनवाया था, जिससे पानी के जहाजों को इससे दूर रखा जा सके। इस लाइट हाउस की देखभाल एक परिवार वहां रहकर करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह परिवार भी यहां सांपों की चपेट में आ गया और परिवार के सभी सदस्य मृत पाए गए, जिसके बाद ब्राजील सरकार ने लाइट हाउस को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया और इसके बाद इस आइलैंड को इंसानों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव, वेटिकन सिटी। यूरोप की वेटिकन सिटी धार्मिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। वेटिकन शहर में स्थित वेटिकन सीक्रेट आर्काइव दीवारों में दफन है। यह वेटिकन सिटी का कैथोलिक चर्च है, जिसे एक रहस्यमयी जगह माना जाता है। इस चर्च के पास एक सीक्रेट म्यूजियम भी है। यहाँ कैथोलिक चर्च से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। इन दीवारों में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं, जो रोम की आधिकारिक संपत्ति मानी जाती है। द लेस्कॉ केव। फ्रांस में 1940 में एक युवा लड़के ने एक विचित्र गुफा की खोज की थी, जिन्हें लेस्को केव्स के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की खासियत ये है कि इसमें हर तरफ जानवरों की आकृतियां बनी हैं। कहा जाता है कि ये चित्र लगभग 17,000 साल पुराने हैं। 1948 में पर्यटकों के लिए इस गुफा को खोल दिया गया था, लेकिन पर्यटकों की हरकतों के कारण 1963 में इसे पुनः बंद कर दिया गया। सरकार का कहना था कि पर्यटकों की भीड़ के चलते गुफा पर बने चित्र को नुकसान पहुंच रहा है। यही कारण है आज तक आम लोगों को यहां जाना मना है। माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। माउंट वेदर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अमेरिका का एक सिविलियन कमांड सुविधा केंद्र है, जो अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में स्थित है। यह वह स्थान है यहां परमाणु हमले जैसे किसी भी बड़ी आपदा के समय में अमेरिका के सुरक्षा विभाग से जुड़े चुनिंदा अफसरों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक भूमिगत कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जो किसी भी आपदा को झेल सकता है। यह कॉम्प्लेक्स हर सुविधा से लैस है। यहाँ पर हॉस्पिटल, पानी का जलाशय, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एवं रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है। यह रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम अमेरिका के सभी सरकारी और सैन्य संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ करीब 200 लोगों को 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कोका कोला बनाने की ग्रुप रेसिपी की तिजोरी। ग्लोबल सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कोका कोला की शुरुआत 1886 में अमेरिका के जॉर्जिया से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अटलांटा में स्थित है। कोका कोला ने अपना बिजनेस एक खास फॉर्मूला के दम पर फैलाया है, लेकिन ये फॉर्मूला क्या है, ये एक सीक्रेट है। कोक का ये फॉर्मूला आज तक एक गुप्त तिजोरी में बंद है। यह तिजोरी अटलांटा के सनट्रस्ट बैंक में है, जिसे गुप्त रेसिपी की तिजोरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके पास मोटी रकम है तो आप इस तिजोरी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस गुप्त रेसिपी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये तिजोरी के अंदर भी एक गुप्त सुरक्षित जगह पर रखी गई है, जो आम लोगों की पहुंच से
बहुत दूर है। इसी तरह की और भी जगहों के बारे में हम आपको आगे भी जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।